हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं रेलवे के एग्ज़ाम में या आरपीएफ या एसएससी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है यहाँ पे, इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 2 ओम का और उसके सीरीज़ में एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 4 ओम का। तो ये कम्बिनेशन जो है रेजिस्टेंसेज का कनेक्टेड है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको करंट फाइंड आउट करना है आई। सो बेसिकली जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में रखते हैं तो क्या हो जाता है, उनका एडिशन हो जाता है। और एक कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। जब भी आपकी रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में होगी तो एक तो नॉर्मल एडिशन होगी और करंट क्या होगा, सेम होगा, आई जो है वो सेम होगा। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है, इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है कि रेजिस्टेंस सीरीज़ में ऐड होगी और करंट जो है वो सेम रहेगा। ये जो पॉइंट है, ये करंट वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाकी आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बेसिकली जो है, ये जो दो रेजिस्टेंस है 2 ओम एंड 4 ओम, ये दोनों सीरीज में है। तो इसका मैंने इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया है। ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके एक रेजिस्टेंस बना देंगे जो कि क्या होगा, 2+6। अगर आपने 10+2 में पढ़े हुए हैं सीरीज में, तो ये 2+4 हो जाएगा, 2+4=6। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी 6 ओम की, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V=IR करके हम क्या करेंगे, V=I×R, और वहाँ से I आ जाएगा आपका V/R। V/R करोगे तो आपका ये आ जाएगा V=12 हमें गिवन था और R आपका 6 आ गया, तो आपका करंट आ गया 2 एम्पियर। आपसे पेपर में क्या पूछेगा कि आपने बताना है 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 ओम थ्रू रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है आपका, जो करंट 2 ओम के थ्रू कर रहा है। तो 2 एम्पियर यहाँ पे फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर ही इसके थ्रू कर रहा है। तो करंट जो है सीरीज में वो सेम होता है। अब आपको इसी क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि आपने बताना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो आप कैसे निकालोगे, इस पोर्शन के अक्रॉस अलग आपकी वोल्टेज आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बना के कि जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आपकी अलग एक वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगी। उसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हो कि ये ऐसे बन रही है, ये कहाँ से कहाँ तक होगी, इस रेजिस्टेंस तक, ठीक है। और जो दूसरी वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी यहाँ से लेके किसी भी पोर्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी, वो 4 ओम के। तो ये जो वोल्टेज है ये आपसे पूछ लेगा। बेसिकली इसमें क्या है, V=IR करके हम क्या निकालेंगे, V1 निकाल लेंगे। V1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, I×R। I आपका कितना है, 2 × 2, दैट मीन्स 4 वोल्ट की वोल्टेज यहाँ पे अक्रॉस ड्रॉप हो रही है 4 वोल्ट, और जो ये वाला रेजिस्टेंस है 4 ओम इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, 2×4=8। और ये जो जितनी भी वोल्टेज ड्रॉप होंगी ना, इनका सम किसके इक्वल आएगा, जो बैटरी लगी होगी। तो 8 वोल्ट + 4 वोल्ट = 12 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये पूछ सकता है आपसे, करंट पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि किसी भी रेजिस्टेंस 2 ओम के थ्रू करंट कितना है, 4 ओम के थ्रू कितना है। उसके बाद पूछ सकता है 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, जैसे मैंने अभी निकाली, 4 ओम के थ्रू वोल्टेज पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। टोटल करंट पूछ लेगा अगर कि आई करंट कितना है, सपोज जैसे यहाँ पे दे दिया आई, तो आई भी आपका जो सीरीज है में एक करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, वो आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने दो रेजिस्टेंस जो हैं वो यहाँ पे पैरेलल में ले लिए हैं और उसके बाद एक 4 ओम यहाँ पे ले लिया। इसमें पूछा गया है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम, तो मैंने इन दो पैरेलल को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना लिया। अब पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपका एडिशन कैसे होगी, इन्वर्स करके, रेसिप्रोकल, 1/2 + 1/2। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, 1/2 + 1/2 करोगे और = ये आ जाएगा 1/R के। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, आर पी लिख लेते हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। तो ये जब ऐड करके आप निकालोगे 2 और 2 का, तो ये 1 ओम आ जाएगा। और आगे क्या है,
4 ओम हमें गिवन है। तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में हो गए, और इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 + 1 = 5। और यहाँ से करंट आपका कितना आ जाएगा, I इक्वल टू V बाई आर करोगे और आपका आ जाएगा 12 / 5, और आपका करंट आ जाएगा 5 × 10 2.4 एम्पियर जो है आपका यहाँ से करंट आ जाएगा। और आपने निकालना क्या, इसमें आपसे पूछा है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, तो 4 ओम के अक्रॉस पूछ रहा है, तो यहाँ पे 4 ओम के अक्रॉस निकालनी है वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 ओम के अक्रॉस पूछ रहा है तो 4 ओम के अक्रॉस लिख लेते हैं, यहाँ पे V लिख लेते हैं, लेट्स सपोज। तो ये कितनी आ जाएगी, I × R, V = I × R, और I कितना था आपका 2.4 × 4, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2.4 × 4 करके 9.6 आ जाएगा आपका, 9.6 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो रही है अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। ऐसे ही आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इस 2 ओम के, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 - 9.6, क्योंकि जितनी यहाँ पे ड्रॉप हो रही है उससे इधर जो माइनस बचेगा वही ड्रॉप होगी, तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी आपकी 12 - 9.6, तो आ जाएगा आपका आंसर 2.4 वोल्ट, और 2.4 ही इसमें ड्रॉप होगी। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम होती है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहाँ पे अगर आपसे करंट पूछ लेता है सपोज कि इस 2 ओम के थ्रू करंट कितना है, तो यहाँ पे करंट कितना होगा, करंट आपका आप पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपसे, तो करंट क्या होगा, जब भी दो रेजिस्टेंस इक्वल लगे होंगे, जैसे यहाँ पे 2 ओम है 2 ओम है, तो जब भी दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के होंगे तब करंट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब यहाँ से करंट कितना आएगा 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू, इसके करंट आएगा आपका 1.2, और यहाँ से भी करंट कितना आएगा 1.2। यहाँ पे मैं एम्पियर लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये करंट है, तो यहाँ पे 1.2 एम्पियर। लेकिन जब ये कंबाइंड आगे आके कंबाइंड हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 2.4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे 2.4 हो जाएगा, मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये 2.4 एम्पियर का करंट यहाँ पे दोबारा से आगे आके फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, कि 4 ओम के थ्रू रेजिस्टेंस के कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, और 2 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। और इसके थ्रू पूछ सकता है कि 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, तो आप निकाल लोगे 9.6 अगर यहाँ पे हो रहा है, तो टोटल इसके अक्रॉस कितनी है, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वोल्टेज ड्रॉप कितनी है +12, तो 9.6 अगर वहाँ पे ड्रॉप हो गई, तो ये दोनों पैरेलल में है। यहाँ पे हमें पता है पैरेलल में क्या है, सर्किट में वोल्टेज जो है वो सेम रहती है, जितनी वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगी वहीं उतनी ही वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप सेम है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कितनी होगी 2.4। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इस बार भी रेलिटी एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि ऐसे आपको सर्किट गिवन था जैसा पहले क्वेश्चन में है, दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ वो क्या था, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस था और आगे आपका 20 का था, और उसने 10 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप पूछी हुई थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। एक बार आपको बेसिकली कंसेप्ट यही याद रखना है कि जो आपका बेसिकली कंसेप्ट क्या है, कि जो आपका सीरीज में है, सीरीज में आपके रेजिस्टेंस जो है वो सिंपली आर, अगर मैं RS लिखूं तो ये RS लिख रहा हूँ कि RS किसकी सीरीज की है, तो इसमें क्या है R1 + R2 + R3 जितने भी होंगे वो एज इट इज़ ऐड होते रहेंगे। और इसमें एक और चीज़ क्या है, करंट जो है सीरीज में वो सेम रहेगा हर रेजिस्टेंस के थ्रू। ये एक पॉइंट हो गया। अब पैरेलल में क्या है, पैरेलल में आपका है, पैरेलल में क्या है कि आपके जो हैं रेजिस्टेंस वो इन्वर्सली ऐड होते हैं, जैसे 1 / RT = आएगा 1 / R1 ऐसे ही +1 / R2। तो इस तरह से इसमें सारे रेजिस्टेंस इन्वर्सली करके ऐड होंगे। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, वोल्टेज जो है वो सेम होगी, करंट आपका पैरेलल रेजिस्टेंसेस में अलग अलग होगा, तो वोल्टेज इसमें सेम होगी। तो बेसिकली इसी को ट्रिक के ऊपर सारे क्वेश्चंस
भेज देते हैं। थैंक यू सो मच।